गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अप्लाइड फिजिक्स 2 में एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पर हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। 6 के 6 क्वेश्चंस को आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये 6 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस यूनिट से। मैं इस अप्लाइड फिजिक्स 2 जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के लिए होता है, फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी और सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए, ओके। तो यूनिट नंबर 4 में चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने से पहले आपको हिदायत दे रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देता हूँ। उम्मीद है कि क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे, रहते भी हैं, लेकिन आपको अपनी जो भी और भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि मैं और क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ, या और क्वेश्चंस आपके पास कहीं आंसर है, क्वेश्चन है, उसको भी स्टडी कर लें, ठीक है। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन, मैंने कुछ टर्म को डिफाइन करने के लिए कहा है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है घुमा के दे। कभी कभी एक बच्चे ने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, सर आपने तो डिफाइन करने के लिए पूछा था, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज रेसिस्टेंस, राइट इट्स यूनिट, तो वही मतलब हुआ उसका। मैं आपको रेसिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए कह रहा हूँ का मतलब रेसिस्टेंस का डेफिनेशन इसका यूनिट लिखना है, ठीक है। यानी रेसिस्टेंस के बारे में आप मुख्य बातें जो जानते हैं उसको लिखना है। तो यह डिफाइन शब्द से सारा बात क्लियर हो जाता है। तो मैंने डेफिनेशन में कुल मिलाकर आपको 9 डेफिनेशंस लिखने के लिए बोला, या 9 परिभाषा या 9 टर्म अलग अलग हैं। पहला है रेसिस्टेंस, इसके बारे में लिखिए। दूसरा है रेसिस्टिविटी। तीसरा है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। छठा है एसी वर्सेस डीसी। मेरी इसकी वीडियोस आपको मिल चुकी है, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर देखें। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, ईएमएफ को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करें। मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये जो डेफिनेशन 9 डेफिनेशंस मैंने दिए हैं, इसमें से आपके जो डेफिनेशंस पूछे जाएंगे इसी के अंदर से रहेंगे, ठीक है। इसलिए 9 के 9 डेफिनेशन को पूरे अच्छे तरीके से गेट बाय हर्ट, ठीक है, याद कर जाना है, समझ लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस आता क्या है, सर बहुत सारे स्टूडेंट को अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग 10th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। यानी प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि आर सीरीज, आर एस एस माने सीरीज होता है, इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस आर एन। ठीक, तो ये साबित करके बताइए, इसी एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो वहीं पर आर पी, पी माने पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें ऐसे फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, वन बाई आर पी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस डॉट 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 वन बाई आर एन। कुछ ऐसे ही फॉर्मूला आपको साबित कराया गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आने की संभावना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये 10 क्लास में पढ़े हैं, लगभग सभी बच्चे इसको जानते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जब दे रहे थे उस समय भी आपने पढ़ा होगा, तो ये बहुत ईजी होता है इसको समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑन व्हाट फैक्टर, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर पे आ रहा हूँ, ऑन व्हाट फैक्टर, किन कारकों पर जो रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, जो रेसिस्टेंस है किन किन बातों पर निर्भर करता है। और इसका आंसर आपको मालूम भी होगा कि सर रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का,
रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, और इससे फॉर्मूला निकालते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आपको याद होगा साथ साथ, ठीक है। ये जो आपके पास रेसिस्टेंस है ये मटेरियल पर भी निर्भर करता है, तो आपको अच्छे से नोट्स बनवाया गया होगा कि किन किन कारकों पर जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से, ये वाला जो आपको मैंने बताया इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, ये आएगा, ठीक है। चलिए, तीन तीन क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझना है, मैंने हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही बोर्ड में डाले हैं, इसके अलावे इस यूनिट से ढेर सारे और क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस को, सभी ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपके पास हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है, सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे, क्वेश्चन नंबर तीन हो गया, क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, व्हाट इज ओम्स लॉ, वेरीफाई इट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरीफाई, ठीक है। ओम्स लॉ तो सब लोग समझ रहा है, ओम्स लॉ कितनी बार लिखे भी होंगे आप, स्टेटमेंट लिखना है, यानी ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम ने जो लिखा बोला था, ठीक है, वो किताबों में बहुत अच्छे से स्टेटमेंट लिखा होता है, उसको कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन, लेकिन इसमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करके बताएंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि रेसिस्टर, एक सर्किट बनाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, आम मीटर लगाते हैं, तो वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए पूछ सकता है, व्हाट इज ओम्स लॉ, वेरीफाई इट, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉप्स लॉ, भाई किरचॉप्स तो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका, और मेरे अनुसार से ये क्वेश्चन रहेगा ही, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉप्स लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किरचॉप्स लॉ दो टाइप के होंगे, किरचॉप्स का वोल्टेज का नियम यानी KVL, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ, किरचॉप्स का करेंट का नियम, किरचॉप्स करेंट लॉ, ठीक। तो किरचॉप्स के दोनों नियमों को अच्छे से स्टेटमेंट के साथ पढ़ लेना है, ठीक। एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक छोटा छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया भी है कैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स इसके हैं, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉप्स लॉ बढ़िया से, जिनको नहीं समझ में आता है प्लीज़ इस पर बात कर लेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ दिक्कत होगी बताएंगे, ओके। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर वही बात आ गया सर, स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट देना, और एक्सप्लेन का मतलब होता है उस स्टेटमेंट को डेराइव करना, उस स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर देना, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कौन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉप्स लॉ पूछा, फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज नाम सुने होंगे आप, क्योंकि चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो व्हीट स्टोन ब्रिज तो पीछे छोड़ेगा नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज तो आने वाले थर्ड सेमेस्टर में भी आपको नहीं पीछा छोड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज से पीछा छूट जाएगा और किरचॉप्स लॉ से पीछा छूट जाएगा, कभी नहीं छूटेगा, यानी ये आपके पास यूनिट नंबर 4 का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलिए, तो यूनिट नंबर 4 में इतने ही क्वेश्चंस को आप पढ़िए, मेरे अनुसार से यदि आप लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के एक या दो दिन की तैयारी करते हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करें जो आपके लिए, जो आप जानते हैं, ठीक है, और आप नए क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करें, ठीक। चलिए, एक जाते जाते एक नोटिस दे दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉल कर रहे हैं कि सर बैच कब स्टार्ट होगी थर्ड सेमेस्टर की, कोई इलेक्ट्रिकल का, कोई सिविल का, कोई मैकेनिकल का, कंप्यूटर साइंस का, तो जानकारी ये है, आपको जानकारी दे दूं, सभी ब्रांच की क्लासेस थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट होने जा रही है, सभी ब्रांच की क्लासेस, ठीक है। हम लोग दो तरह से क्लासेस देंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। ऑनलाइन मीन्स रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरीके से रिकॉर्ड करके वीडियोस डाली जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मेरे से बच्चे लोगों ने, क्या सभी सब्जेक्ट के फैकल्टी अलग अलग होंगे? यस, ऑब्वियस है कि हर सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी होते हैं। किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा कोई रॉस्ट केस आ गया, बुरी स्थिति आ गई, जहाँ किसी टीचर की तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ कोई एक टीचर दो सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाते हैं, यानी पांच सब्जेक्ट होगा तो पांच डिफरेंट टीचर्स आपको अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, तो मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, मेरे को हर सब्जेक्ट पढ़ाया गया है बीटेक में और एमटेक में,
तो लेकिन मैं कुछ सब्जेक्ट में अच्छे से स्पेशलाइज्ड हूँ, मैं उन्हीं सब्जेक्टों को डील करूँगा। वैसे ही सभी सर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हीं को डील करते हैं। चलिए, मेरी बातों से क्या फ़ायदा होगा, मैं तो सिर्फ आपको वीडियो दूंगा, मेरी वीडियोस को आप देखेंगे, यानी हमारे फैकल्टी की वीडियोस को देखेंगे, अच्छा लगेगा आप, फिर उसके बाद मैं एडमिशन की बात करूंगा। फाइनली मैं हर समय मेहनत की ही बात करता हूं, और कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, कुछ नहीं। अब खेलने कूदने के दिन गए, तीसरा सेमेस्टर है, आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से बहुत बारीक से पढ़ना है। इंजीनियर बनने का पहला कदम है, इसलिए ठीक से अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ना है, ना तो किताब खरीदने में और ना ही किताब जो खरीदे हैं उसको बनाने में। अभी तक तो मैंने कितनी बार बोला है क्लास में किताब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हर एक टीचर किताब रेकमेंड करेंगे और वो किताब मार्केट से खरीदना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि आप वीडियोस बना लिए। तो ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अटैच हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच हो सकते हैं, या आप अपने दोस्तों का नंबर या आप खुद अपना नंबर मेरे इस नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है, 70 50 25 12 10, इस पे अपना पूरा इंट्रोडक्शन, नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, क्या क्या दे देना है, नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, कॉलेज, ठीक है, काफ़ी है, और मोबाइल नंबर, ये 5 ठो जानकारी अगर आप मेरे इस नंबर पे या 9430375190 पे या 9852581357 पे, ये तीनों नंबरों पे भेज सकते हैं, ठीक है, तीनों व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज के सीधे लिख दीजिएगा, प्लीज़ ऐड इन, प्लीज़ ऐड इन WP ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच कर दीजिए। आप जिस ब्रांच के होंगे उस ब्रांच के ग्रुप में आप अटैच हो जाएंगे, और जब हम वीडियोस बनाएंगे तो उस समय हम उसमें डाल देंगे, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगेगी, फिर हम लोग आगे एडमिशन्स की बात करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस के लिए जोर दें, ऑनलाइन क्लासेस मजबूरी की क्लासेस हैं, आप मजबूर होते हैं तभी ऑनलाइन क्लासेस पे रहें। ऑफलाइन क्लासेस पे कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन मतलब मैं और आप बात करते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा डाउट क्लियर होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियोस में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी मैं डिटेल कैसे और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर बनाएंगे, वो सब सारी बातें मैं अच्छे से वीडियो बना के करूँगा। ये आपका एग्ज़ाम का टाइम है, इसलिए आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लें, अच्छे से देख लें, यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से लेकर के 6 नंबर तक सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये यूनिट नंबर 4 के लिए हुआ। चलिए, मैं दूसरे यूनिट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। चलिए, इतना इस यूनिट में इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।